पीआर वालों की थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होती है, स्टूडेंट्स की दूसरी होती है, तो इनको एक साथ एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। मैं उसके बारे में भी अभी बताऊंगा आपको। सो वी गो 1 kg आइसक्रीम ऑन हाफ प्राइस, दैट इज $5। सेकेंड ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि पिछले 2-3 वीक से वीडियो रेगुलर नहीं मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। उसके पीछे कतिपय कारण थे, एक तो गणपति जी थे बीच में और कुछ घरेलू काम काज ऐसे थे, और फिर कोई चीज अगर एक बार डिले हो जाती है तो फिर थोड़ा सा आलस भी आ जाता है। तो कई कारण मिला जुला करके जो है 2-3 हफ्ते से मेरा इररेगुलर हो गया था वीडियो आप तक पहुंचाना, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा अपने चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से या पाकिस्तान से या इसके अलावा भी जो भी दूसरी कंट्रीज हैं जहां से ज्यादातर यहां पर स्टूडेंट्स आते हैं, इस समय का जो सीन चल रहा है, देखिए कनाडा और इंडिया के बीच का जो एक डिस्प्यूट हुआ है, या और भी तमाम सारी वजहें हैं जिनकी वजह से अब तक भी मेरे ख्याल से ये बात तो पता चल ही गई होगी जो मैं अब बताने वाला हूं, लेकिन इसकी 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं एब्रॉड जाते हैं भारतवर्ष से स्पेशली। फिलहाल तो मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया की भी बात करूंगा। तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूके है, न्यूजीलैंड है, इसके अलावा भी यूरोप के कई कंट्रीज में जो है लोग जाते हैं। अगर उन सबको इकट्ठा करके देखा जाए तो मुझे लगता है केवल भारतवर्ष से प्रतिवर्ष अंदाजतन 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स जो है अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाते हैं। अब देखिए, पहली चीज तो मैं अपने बारे में आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कई बार जब मैं ऐसी बातें करता हूं, ऐसे वीडियोज बनाता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं भाई आप वहां क्यों रह रहे हैं, आप भी वापस आ जाइए। तो थोड़ी सी परिस्थितियां भिन्न होती हैं, क्योंकि जब हम आए थे पहली चीज तो हम स्टूडेंट नहीं आए थे, हम डायरेक्ट पीआर में आए थे, तो पीआर वालों के साथ अलग मैं आज इस वीडियो में, हालांकि मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, फिलहाल बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स की। तो देखिए, अगर आप यहां पर मास्टर्स करने आते हैं या ग्रेजुएशन करने आते हैं या इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी आते हैं, तो एक मोटा मोटा मान लीजिए कि भारत से लगभग 5 लाख लोग जो है हर वर्ष बाहर पढ़ने जाते हैं। तो अब इनका खर्चा जेब से कितना आता है, पैसा तो देखिए आपका ही है, लेकिन जब आप उसे विदेश लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व्स हैं भारत के उसी में से जाता है। देखिए, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे किसी भी कंट्री में जब आप जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मास्टर्स करने जाते हैं जिनका कि 2 साल का कोर्स होता है, या ग्रेजुएशन करने जाते हैं, या इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी जाते हैं। अगर तो जैसे आप ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो आपको 4 से 6 साल तक की पढ़ाई करनी पड़ सकती है, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी साल भर के 6 महीने के या 2 साल के भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर जो है 2 साल के कोर्सेज होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 2 साल आपने कर लिया और इमीडिएट आपको यहां पर पीआरआई में परमानेंट रेसिडेंसी वीजा मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। जनरली अगर देखा जाए ग्रेजुएशन वालों को और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को, या अलग टाइप की जो भी स्टडीज होती हैं उन सबको अगर आप मर्ज करके देखें, तो 2 से लेकर के और लगभग 4 साल कॉमन है कि इतना समय लगता है, 2 से 4 वर्षों का। कुछ स्टूडेंट्स को 6-6 साल भी लगते हैं, और कुछ को इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 साल में सब हो ही जाता है, पर मान करके चलते हैं कि 2 से 4 साल के बीच जो है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का टाइम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट एक्सपेंड करना पड़ता है। तो कितना खर्चा आ जाता होगा अप्रोक्सीमेटली, तो बीच का ले लेते हैं, ना 4 लेते हैं, ना 2 लेते हैं, 3 साल का ले लेते हैं, कि ऑन एन एवरेज जितने भी स्टूडेंट्स भारतवर्ष से बाहर जाते हैं लगभग 3 साल उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो चाहे फीस का हो या वहां जाकर के जो रह रहे होते हैं उसमें जो खर्चा पानी आपका सर्वाइवल के लिए आता है, वो सब मिला जुला करके, फीस वगैरह मिला करके, ऑन एन एवरेज किसी का कम भी होता है, किसी का ज्यादा भी होता है। वो तो दूसरे वीडियोज हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से पढ़ाई में या किसमें क्या कितना खर्चा आता है, आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 3 वर्ष प्रत्येक स्टूडेंट के हिस्से में आया, तो ऑन एन एवरेज फीस और सर्वाइवल लगा करके भारतीय करेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि भारतवर्ष का 1 करोड़ रुपया खर्च होता है एक स्टूडेंट के ऊपर। ये बात तो मैं कह रहा हूं भारत के लिए, भारत के रुपए, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का लगभग 55 रुपीज के आसपास का रेट है, मतलब $1 ऑस्ट्रेलिया का भारतीय रुपए में 55 रुपए का लगभग होता है। और अगर आप नेपाल का देखें तो कुछ 85 नेपाली रुपीज होता है यहाँ का, और अगर पाकिस्तान का देख लें तो मेरे ख्याल से 185 कुछ होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, लेकिन ये यूएस डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें अगर कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे रेट्स हो जाएंगे, लेकिन अब चूंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो मैं यहां के हिसाब से ही आपको बात बता रहा हूं। तो उन कंट्रीज में, ये तो भारत के करेंसी के हिसाब से 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, अगर आप नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप अपना कैलकुलेट कर लें, आपका 2 करोड़ भी हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां की करेंसी की वैल्यू डिफरेंट है।
तो अब समझिए कि अगर 5 लाख ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स भारत से बाहर जाते हैं प्रतिवर्ष, तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया भारत का विदेशों में पढ़ने के लिए खर्च किया जाता है। मतलब ऑफकोर्स देश का पैसा बाहर जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई बाहर से ये जो स्टूडेंट्स जाते हैं पैसे भेजते भी हैं, ऑफकोर्स भेजते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इमीडिएट जाकर के तुरंत पैसे नहीं भेजते हैं, 2-4 साल तक तो उनको पेरेंट्स को ही हेल्प करनी पड़ती है। अब ये जो लोग आते हैं तो या तो पेरेंट्स का पैसा लेके आते हैं, तो स्कॉलरशिप का पैसा लेकर के आते हैं, बैंक से लोन लेकर के आते हैं। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनमें अगर हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल बताता हूं यहाँ पे कि कुछ दिनों की पहले की बात है, मेरे एक मित्र आए हुए थे तो उनको लेकर के मैं सिटी घुमाने गया, तो उन्होंने कहा चलिए मुझे स्टार कैसीनो भी घुमा दीजिए क्योंकि वो घूमने जैसा है, भी काफी बड़ी बिल्डिंग है, अंदर भी काफी कुछ अच्छा होता है। तो हमने देखा वो एक लड़का आया, इंडियन ओरिजिन का ही था, तो उसको देखा हमने, लगभग उसके पास $20,000-25,000 रहे होंगे। एक आधा घंटे के अंदर 2-4 मशीनों में गया और वो सारा उड़ा करके बाहर निकलने लगा। तो मुझसे नहीं रहा गया क्योंकि यहां मतलब $20,000-25,000 मतलब आधा घंटे में कोई अगर खर्च कर दे तो आप सोचो जरा कि मतलब हमारे जैसे आदमी को तो भाई लगेगा कि कहां से इतना पैसा खर्च कर रहा है। तो मैंने क्यूरियस हो करके उससे ऐसे पूछा, मैंने कहा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो मुस्कुराया और बोला मैं इंडिया से हूं। तो मैंने पूछा भाई इंडिया में कहां से हो, तो उसने बताया कि मैं चेन्नई से हूं। ओके, तो हालांकि आगे पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, बट मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कि आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोला नहीं माई फादर इज पॉलिटिशियन, मतलब वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो देखिए अब इनके लिए क्या 10,000, क्या 1 लाख, क्या 10 लाख, क्या 1 करोड़ रुपया, आप समझ रहे हैं ना कि यहां आने वालों में से जो स्कॉलरशिप लेकर के आते हैं, जब पेरेंट्स के पैसों से जिन्होंने बड़ी मेहनत के पैसे खर्च करके आपके यहां भेजा होता है, उनकी कहानी अलग होती है और उनकी कथा व्यथा अलग होती है। लेकिन जिनके पास या तो बहुत अच्छी पोस्ट में नौकरी कर रहे हैं या जिनके पास ब्लैक मनी आती है, सभी पॉलिटिशियंस गलत होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये आपको भी बताया, देखिए ये बड़ा ओपन सीक्रेट है कि अगर ऐसा कोई पैसा है या फिर कोई बहुत बड़ी बिजनेस क्लास फैमिली से आप आते हैं जिनको पैसों का कोई फिक्र ही नहीं है, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हर बार लगभग मैं इस बात को कहा करता हूं कि ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बड़ी मेहनत मशक्कत से अपने भविष्य को खोजने के लिए अपने देश से बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं या पहुंच चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रयत्न के द्वारा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि अब वो जो लड़का 25,000 आधे घंटे में $25,000 खर्च कर सकता है, उसके लिए क्या 1-2 करोड़ भी क्या मायने रखते होंगे। तो आई बिलीव कि अच्छा कुछ बहुत बड़े जो पैसे वाले लोग हैं बिजनेस क्लास, तो सब अच्छे और बुरे कैटेगरी में मैं नहीं डाल रहा हूं, लेकिन उनके बच्चे यहां सिर्फ पढ़ने आते हैं, पढ़ करके उनको अल्टीमेटली अपने देश में जाकर के बिजनेस व्यापार करना होता है। कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चे भी, जैसे बहुत सारे स्टार्स के बच्चे भी यहां विदेशों में पढ़ते हैं और वापस जाकर के अपनी ही कंट्री में काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों का इतना सब बैकग्राउंड है कि उनको यहां फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क किसको पड़ता है, इस मिडिल क्लास को, क्योंकि इस मिडिल क्लास को ही हर जगह सफर करना पड़ता है। अब मिडिल क्लास में भी अगर आप इसको भी डिवाइड करें तो इसमें भी अपर मिडिल, लोअर मिडिल और मिडिल मिडिल भी बन सकता है। तो इसमें काफी लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जो बहुत मशक्कत से पैसे का जुगाड़ करके यहां आते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में, अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, हालांकि 5-6 कंट्रीज जिनके मैंने नाम बताए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमंग इंडियन स्टूडेंट्स कि वहां पढ़ने जाएं, बाकी यूरोप में और कंट्रीज में भी जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये एकदम जो नया नया ताजा ताजा जो सर्वे में उसके हिसाब से बता रहा हूं, तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड में हैं उनमें से ऑस्ट्रेलिया की लगभग 41 यूनिवर्सिटीज में से 9 यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया की टॉप 100 पे हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ऑफकोर्स यहां पर काफी बेहतर है, इस ये भी एक अट्रैक्शन है, और ऑफकोर्स यहां की लाइफ और बहुत सारी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, जो अब मैं खुद समझ सकता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजों ने हमें भी अट्रैक्ट किया था उस टाइम पर। तो यहां पढ़ने के लिए लोग इसलिए भी आते हैं कि अपना एक करियर देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, लेकिन हर समय के हिसाब से कुछ चीजें बदलती रहती हैं। अब मैं यहां पर जो स्टूडेंट्स की जिंदगी देखता हूं, मैंने पहले बता दिया कि मैं उन खास लोगों की बात नहीं, मैं आम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि आप 1 करोड़ रुपए लगा करके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या ऐसी किसी भी कंट्री में जाते हैं और कम से कम 4-6 साल तक आप इतना हार्डवर्क करते हैं कि मैंने अपने यहां पर जिस तरह के बैकग्राउंड से ये स्टूडेंट्स यहां आकर के जितना हार्डवर्क कर रहे होते हैं, इन फैमिलीज में रहते हुए इंडिया में उसका 10% भी ये इतना हार्डवर्क नहीं करते। अगर वहां पे 1 करोड़ रुपए लगा करके, मैं देखिए इंडिया के बारे में इतना तो अभी मुझे समझ है क्योंकि मैं वहां से बिलोंग करता हूं, बाकी कंट्रीज का तो मुझे नहीं पता, पर अंदाजा वहां का मुझे लगता है कि वहां पे भी कमोबेश यही हाल होगा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से खर्च कर दें
और 4 से 6 साल उतनी ही 16-16 घंटे 15-15 घंटे मेहनत करें प्लस पढ़ाई करें, क्योंकि यहां तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको सर्वाइव करने के लिए मेहनत भी करनी है प्लस पढ़ाई भी करनी है। तो अगर उतनी ही मेहनत आप कर लें तो भारतवर्ष में मैं कहता हूं आप रेगिस्तान में भी जाकर के कोई भी बिजनेस आप खोल दें तो वहां पे भी 4-6 साल के बाद में जितनी इनकम यहां पे होती है उतनी आप वहां पे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी का मोरल डाउन नहीं कर रहा, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा, और मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता हूं और मैं कहता हूं कि यहां पर आकर के जो लोग ये संघर्ष करते हैं वो बहुत खास और बहुत स्पेशल लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा करेज का डिसीजन लिया होता है और बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर यही सब कुछ आप अपने यहां पे कर लें कि 1 करोड़ रुपए खर्च कर लें और 4 से 6 साल का अपने आपको टाइम दे दें कि मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, तो वहां आपकी फैमिली भी है, चाहे बहुत सपोर्टिव हो चाहे कम सपोर्टिव हो, थोड़ा बहुत तो आपको सपोर्ट मिलेगा। प्लस आपको अपने यहां पर जो लेबर्स हैं वो काफी सस्ते मिल जाते हैं, वो मिलेंगे, मतलब सहयोगी आपको मिल जाएंगे बहुत कम पैसे में, यहां पर आपको सहयोगी मिलेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत ईमानदार बहुत अच्छे सहयोगी मिलना थोड़ा सा कठिन होगा, पर मिल जाएंगे फिर भी आपको। प्लस आप अपनी कल्चर से, अपने रिचुअल से, अपनी फैमिली रिलेटिव बहुत सारी, अपने खान पान हर चीज से जुड़े रहते हुए आप वो सब कुछ कर रहे थे। तो अगर यहां आप उसका, और सेकेंड थिंग, यहां इतना खर्च के मतलब 6 साल खर्च कर दिया आपने, 1 करोड़ रुपया भी भारत का अपने घर परिवार का खर्च कर दिया, उसके बाद आप जो कुछ भी अर्न करते हैं, मान लीजिए कि आपने 8,000 या 10,000 महीने कमाना शुरू कर दिया डॉलर्स में, तो यहां के एक्सपेंसेस इतने हाई हैं कि आप ये मत समझिए कि वो दिखता और सुनता भरे कि यार हाँ बहुत ज्यादा कमा लिया, लेकिन वो फिर जब महीने के एंड ऑफ द डे जब आपका खर्चा निकाल करके आप देखते हैं तो आपके हाथ में बहुत लिमिटेड रकम बचती है, और उसके लिए आपने तब भी बहुत काम किया होता है। मतलब जब आप स्टूडेंट हैं तब तो आप हार्डवर्क कर ही रहे हैं, और जब आप स्टूडेंट के बाद में यहां पर पीआर या सिटीजन हो जाएंगे उसके बाद भी संघर्ष पूरे जीवन इसी तरह अनवरत चलता रहेगा। क्या कि आपको हार्ड वर्क करके पैसे कमा करके अपने घर में सारे काम आपको ही आकर के करने, क्योंकि अगर आप उसके लिए यहां सर्वेंट बुला नहीं सकते, अगर आप बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जो भी इनकम है उसका एक बड़ा अंश यहां पर आपको देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, तो पता चला कि फिर आपकी सेविंग्स कुछ भी नहीं हो पाएंगी। तो पूरी जिंदगी आपको यहां पर मतलब अच्छी लाइफ के नाम पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। दूसरा जो यहाँ कई पेरेंट्स जिसको लेकर के काफी हमेशा कंसर्न रहते हैं, और मैं भी एक बेटी का पिता हूं तो मैं भी कंसर्न रहता हूं कि यहाँ बच्चों का जो एक कल्चरल चेंज आता है, जो इंडिया में आपको उसके लिए मेहनत और एफर्ट करनी ही नहीं पड़ती है, ज्यादातर बच्चे जो हैं कम से कम अपनी कल्चर तो सीखते हैं, अपने यहाँ के संस्कार सीखते हैं, वो यहाँ अगर आप बहुत अवेयर हैं तभी थोड़ा बहुत दे पाते हैं, अदरवाइज सोसाइटी जैसी है, फिर बच्चे भी उसी तरह के बनते हैं। तो कई लोग आगे चल करके जब बच्चे बड़े होते हैं 18-20 साल के तो काफी निराश होते हैं, और मेरी बातचीत होती है तो लोग कहते भी हैं कि शायद जब बच्चे हमारे बड़े हो रहे थे तो उस वक्त हम इनको ना उतना टाइम दे पाए और ना ही शायद इनके साथ में हमने वो सारी चीजें इनको सिखाई जो इनको हम सिखाना चाहते थे, जो हम आज 20 साल की उम्र में इनमें देखना चाहते थे। तो ये जो है सारी चीजें, यहां बहुत सारी चीजें कमाने के बाद, बहुत कुछ अचीव करने के बाद में भी ये नेगेटिव फैक्टर हमेशा रहेंगे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया कनाडा जैसी कंट्रीज में अपनी इंडियन कल्चर काफी ज्यादा डेवलप हुई है, तो इतना परेशान होने जरूरत नहीं, इसको बहुत निगेटिव मत लीजिए, लेकिन ये फैक्ट है तो है, ये एग्जिस्ट करता है। 6 साल इतना ही मेहनत, इतना ही पैसा खर्च करके अगर आप अपने देश में कुछ छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं तो मैं ये जानता हूं कि वहां आप ज्यादा बेहतर लाइफ जी पाओगे। और अगर कोई ये कहता है कि भारतवर्ष की एजुकेशन का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, तो भैया दुनिया भर में जितने भी लोग जाकर के और बड़े बड़े पदवियों में, बड़ी बड़ी पोजिशंस में बैठे हुए हैं, वो सब भारत के स्कूलों से पढ़ करके आए हैं और भारत की यूनिवर्सिटीज से ही पढ़ करके आए हैं। वैसे भी अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का तो जो टाइप हुआ है उसके हिसाब से ये एक दूसरे की कंट्रीज की डिग्रीज को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन इंडिया में किया है तो उसको भी यहां पर एज ए ग्रेजुएशन ही लिया जाएगा, मतलब कुछ खास डिग्रियों में पहले भी लिया जाता था ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ये जो है तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें नहीं थी, था वो डीप विषय है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो फिलहाल मेरा यही कहना है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया या किसी भी दूसरी कंट्री में पढ़ने जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं, पर इस बात का विचार कर लें, क्योंकि जब आप लोअर मिडिल क्लास से आते हैं कैसे जैसे तैसे पैसे जुटा करके आते हैं, और जब आप यूनिवर्सिटीज में नॉक नॉक करते हैं एडमिशन के लिए, तो आपको काफी बड़ा फर्क दिखाई देता है। किस चीज का? कि फीस का।
कि मान लीजिए यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जाते हैं, सिडनी, मेलबर्न या बड़े किसी शहर में जाना चाहते हैं आप, क्योंकि देखिए जो खूबसूरती आपको इन विदेशों की दिखती है तो पता चला टोरंटो आपको खूबसूरत दिखता है, जैसे ही आप कनाडा डालते हो, अमेरिका डालते हो तो वहां के बड़े बड़े शहर दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न जैसे शहर दिखते हैं। पर रुकिए साहब, यहां पर भी धोखा होता है। कैसा कि अगर आप यहां एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे बड़े टॉप की यूनिवर्सिटीज में और बड़े शहरों में रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, देन ये जो मैंने 1 करोड़ कहा है ना, ये आपका 2 करोड़ भी हो सकता है या ज्यादा पैसे आपको फीस में भी ज्यादा भरने पड़ेंगे, यहां के सर्वाइवल में भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और लाइफ काफी ज्यादा कठिन होगी उल्टे यहां पर। तो आप क्या करेंगे कि फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज जो कम फीस ले रही हैं उनका चयन करेंगे, तो वो इन महानगरों के बजाय किसी छोटे मोटे कस्बे में होगी या ऐसे रूरल एरिया में होगी, कंट्री साइड में होंगी वो यूनिवर्सिटी जहां पढ़ने को जाएंगे, तब आपके साथ क्या बचेगा। ये मैं बहुत बड़ा कटु सत्य है आपको बता रहा हूं कि वहां से बहुत सारे लोग जो हैं ये सपने लेकर के आते हैं कि हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली हम बड़ी बड़ी पोस्ट में जाएंगे, अच्छी पोजीशन हमको मिलेगी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएंगे, अच्छे डिपार्टमेंट में हमको जॉब मिल जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसे रूरल एरिया में चले जाते हैं, कंट्री साइड या छोटे मोटे कस्बे की यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, तो जब आप सर्वाइवल के लिए वहां पे पढ़ाई और नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर आपको वहां बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं मिलती हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं, पेट्रोल स्टेशन में काम कर रहे होते हैं, या आप लॉन मूविंग का काम कर रहे होते हैं, या कहीं पर आप सुपरमार्केट में कहीं फिलिंग का काम, कहीं क्लीनिंग का काम, ये सब छोटे मोटे सारे काम कर रहे होते हैं क्योंकि आपको करना पड़ेगा, या फिर एज केयर में कर रहे होते हैं जिसे अपने भारत में वृद्धाश्रम कहते हैं, ऐसी किसी जगह में जाकर के आप काम कर रहे होते हैं क्योंकि आपको सर्वाइव तो करना है, 4 साल 3 साल 2 साल 5 साल तो आपके पेरेंट्स पैसे वहां से भेज नहीं सकते क्योंकि आप उतने बड़े रिच फैमिली से नहीं आते हैं। तो होता क्या है कि जब आप 5-6 साल ऐसे ही काम में किसी में आप सेट हो गए तो बाद में डिग्री जरूर आ जाती है, लेकिन ऐसे हजारों लोगों को मैं मिला हूं इन 14 सालों में जो वो करने लग गए थे स्टडी टाइम पे, अपने स्टूडेंट टाइम पे, वो बाद में उसी में बने रह जाते हैं। तो पढ़ के वो इंजीनियर हो जाते हैं, पढ़ के वो MBA कर लेते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन पता चला जॉब वो फिर जिस फील्ड में सेट हो गए कि मतलब आप कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई लेकिन आप चला रहे थे ट्रक, तो वो ट्रक में आप फिर 5-6 साल रम गए तो फिर आप ट्रक ही चला रहे हैं, या फिर आप क्लीनिंग में गए थे तो शुरू में आप किसी और के लिए कर रहे थे पर इतने साल करते करते आपने उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया, पता चला डिग्री आपकी आ गई, आप PR भी हो गए लेकिन आप कर कुछ और ही रहे होते हैं। और यहां की जो गवर्नमेंट है यहां पे भी स्मार्ट लोग बैठे हैं, हम ही लोग थोड़े केवल चालाक हैं, तो इन्होंने भी पूरा सब कुछ खांचा बनाया हुआ होता है, सेट किया होता है इनको। देखिए फायदा कितना है इन कंट्रीज का कि जब 5 लाख, तो मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए, दूसरी और कंट्रीज के भी सब मिला लीजिए तो भैया 50 लाख स्टूडेंट्स, ये सब जो है बिल्कुल क्रीम क्लास होता है, पढ़ा लिखा क्लास होता है जो विदेशों में पढ़ने के नाम पर जाता है, करियर बनाने के लिए जाता है, तो अपने कंट्री का पैसा और सब कुछ, तो बड़े एजुकेटेड जो है लेबर्स मिल जाते हैं इन लोगों को। और इनकी सोसाइटी को देखिए, जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक मैं ये जानता हूं कि किन्हीं खास परिस्थितियों में आपको बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सक्रीफाइस करना पड़ता है, कहीं पे अंडर पे होगा, कहीं कुछ होगा। इतना स्ट्रेट अवे जैसे आप PR वगैरह आते हैं तो जिस तरह से उनकी सैलरीज वगैरह होती हैं वो थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे नहीं, गवर्नमेंट के रूल तो सबके लिए बड़े इक्वली हैं, लेकिन अब आप यहां आते हैं तो आपको भी लगता है ना कि भाई 80 पंजाब से हैंगे तो बहुत सारे पंजाबी यहां पे हैं तो वहां जॉब मिलेगी, ऑफ कोर्स देंगे, वो खेतों में भी उनका है, या आप हरियाणा से हैं, या आप गुजराती हैं, या आप मराठी, किसी भी उसके, तो आप आते इस भरोसे पे हैं, और यहां जब आते हैं तो उन्हीं के यहां कोर्स काम भी ज्यादातर लोगों को मिलता है, लेकिन फिर वहीं पे आपका थोड़ा बहुत शोषण भी होता है फाइनेंशियल, पैसे के हिसाब से, वो मैंने इसके पहले के वीडियोज में भी दिखाया हो, ये सब देखिए ओपन सीक्रेट्स हैं, सबको पता है सोसाइटी में। अब आप मेरे से प्रूफ मांगोगे तो मैं प्रूफ तो कहीं से ला करके नहीं दे सकता, लेकिन भैया इतने सालों में हम भी देखते सुनते ही यहां पर समय बिता रहे हैं। अब बात करते हैं, या PR वीजा में आते हैं, या वर्किंग वीजा में आते हैं, या किसी ऐसे वीजा में, तो उसमें फायदा क्या होता है कि पहली चीज तो आपको यहां यूनिवर्सिटीज को फीस नहीं भरनी पड़ती है, दूसरी चीज आपको फुल टाइम जॉब्स भी ऑफर होती हैं, स्टूडेंट हैं तो आपके राइट्स केवल 24 घंटे काम करने के हैं, लेकिन अगर आप PR हैं तो आप भैया जितने घंटे काम कर सकते हैं उतने घंटे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए कि अगर आपको बाहर जाना ही है, तो देखिए मैं किसी को सलाह वैसे नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरा अपना एक विचार है कि अगर आपको बाहर ही जाना है
तो जब आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ी अच्छी मेहनत कीजिए अपनी अंग्रेजी पे, अपनी कंप्यूटर स्किल पे, या अपनी दूसरी टाइप की किसी भी स्किल पे जिस फील्ड में आपको जाना है उस पे थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लीजिए, और पढ़ाई करके वहां 2-3 साल 4 साल अपने यहां इंडिया में कोई जॉब वगैरह करके अपना वो एक बना लीजिए पात्रता, जिसको कहते हैं कि जिस तरह की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है पीआर के लोगों की, किस प्रकार की एजुकेशन की, किस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुलफिल कर सके 4-5 साल, मतलब 25 से 30 साल की उम्र तक में ये सारा कुछ कर लीजिए, अपना शादी ब्याह कर लीजिए, बच्चे वगैरह 1-2 कर लीजिए, किसी चीज को डिले विले मत करिए, और उसके बाद में पीआर या फिर वर्क वीजा पे या ऐसे किसी वीजा पे आप यहां अगर आते हैं तो उसमें फायदा ये होगा के लिए यहां पैसा उतना सारा खर्च करके इतनी सारी मेहनत करने से बेहतर है कि अपने यहां से अगर करके आते हैं वो सारा पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, केवल आने जाने का प्रोसीजर का खर्चा होगा आपका वीजा वगैरह का। यहां आएंगे आप जॉब करेंगे और सीधे स्ट्रेट अवे कमाने लगेंगे, और उसके बाद में अपनी फैमिली जो आपकी पीछे से रह जाती है अपने देश में उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स आते हैं देखिए 6-7 साल 8 साल यहां रह लेते हैं, उसके बाद में अपना जो कर्जा वर्जा लेके आए होते हैं पहले वो पूरा करते हैं, फिर यहां के खर्चे पानी उठाते उठाते 6-7 साल के बाद में कहीं ना कहीं फिर उनको यहां लगता है कि यार यहां जीवन शुरू करना है तो अब यहां घर बनाओ, यहां ये करो, यहां ये करो, तो वो कोई बहुत ज्यादा पैसा भी पीछे से इंडिया में भेजते नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो पूरा का पूरा भेजते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में ऐसे लोग हैं जो अकेले बच्चे हैं अपने माँ बाप के, या दो हैं वो बाहर सेट हो रहे हैं, तो वो फिर सारा का सारा यहीं कमाते हैं, यहीं पे खर्च करते हैं। कुछ लोग ही हैं जो इंडिया वापस भेजते हैं। तो पीआर लेके आने में ये सारे संघर्ष नहीं होते हैं, 4-6 महीने का 3 महीने 2 महीने का संघर्ष होता है कि तब तक आपको कोई ठीक ठाक जॉब नहीं अपने फील्ड की मिल जाती है, तब तक आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको कम से कम ये 4-6 साल और ये जो वीजा की तलवार लटकती रहती है आपके सिर पे, आपको जो स्ट्रेस होता है उन सब चीजों से आप बचते हैं, और पीआर वाले अक्सर 1 साल के अंदर अंदर अच्छा यहां पे सेटल्ड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को वही 6-7 साल और कभी कभी 8 साल लगता है। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, देखिए आईएलटीएस का जो एग्जाम होता है इंग्लिश का, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने 14-14 बार, अरे भाई एक पर्थ के मेरे जानने वाले थे, उनका रिजल्ट आने वाला था, उससे एक दिन पहले मेरी उनकी बात हो रही थी हस्बैंड एंड वाइफ से, तो वो ऑलमोस्ट रो रहे थे क्योंकि उन्होंने 23 टाइम आईएलटीएस का एग्जाम दिया तो क्लियर नहीं होता, 24वीं बार जब उन्होंने आईएलटीएस का एग्जाम दिया तो क्लियर हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सबके साथ है, पर किसी किसी के साथ में ऐसी समस्याएं भी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, और कुछ तो है डूड टाइप के भी लोग आते हैं, तो ये जो डूड फूट टाइप के लोग आते हैं फिर वो या तो पैसों से इतने मजबूत हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है काम करें ना करें, लेकिन यहां मैंने देखा है उन लोगों को जो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं वो बेचारे बहुत संघर्ष करते हैं, वो कोई डूड फूट टाइप के नहीं होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, जिनको देख करके शायद ऐसी सोसाइटी के लोग उनका मजाक उड़ाए, लेकिन वो यहां पे फिर अपनी सक्सेस के सिग्नेचर्स वही बनाते हैं, वो बहुत मेहनत करके वो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, अच्छा सक्सेस भी उनको मिलती है, लेकिन ये मेहनत करके जो यहां सक्सेस पाते हैं इतनी ही मेहनत और इतना ही पैसा खर्च करके वो कहीं पे भी जंगल में भी मंगल कर सकते हैं, वहां पे भी कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ये था कि अगर आपको लगता हो कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाई में भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं, तो इंडिया में रह करके पहले उसे कंप्लीट करें, क्योंकि अब तो यहां पे डिग्री रिकॉग्निशन भी होगा, जो भी आप वहां पर पढ़ोगे उसको एज इट इज यहां पर भी एक्सेप्ट किया जाएगा, प्लस आपका संघर्ष कम हो जाएगा, प्लस आपको ये जो करोड़ रुपए देश से लेकर के निकलना है वो उसके बजाय पता चला 5-10 लाख में आपका पीआर का प्रोसेस हो जाएगा और आप यहां डायरेक्ट आकर के अपनी एक अच्छी लाइफ शुरू करोगे। मैं आपको बताता हूं, देखिए पहली चीज तो मुझे उन लोगों के साथ में बड़ी कोफ्त होती है, बड़ा दुख होता है, मैं कुछ कह नहीं पाता हूं कई बार, जो अपने देश से पढ़ के आए हैं आईटी वगैरह से, इधर उधर से बड़े अच्छे अच्छे सेक्टर से आए हैं और बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, और आते ही कुछ दिनों के बाद में बैठते हैं 4-6 लोग और कहीं पर भी वो अपने ही देश की बुराइयां कर रहे होते हैं, भाई मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होता, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा भी है मेरा देश है। ऑफकोर्स मैं ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत प्यार करता हूं क्योंकि इतने वर्षों से मैं यहां पर रह रहा हूं, लेकिन इसके अलावा मैं अपने भारतवर्ष से भी बहुत प्यार करता हूं। ये जो वहीं से पढ़ लिख करके आए, देखिए आईटी वगैरह के जो बच्चे आते हैं आजकल उनको 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख ये डॉलर्स में पैकेजेस मिलते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में अगर आप देखें तो 75 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़ ऐसे पैकेजेस उनको आते ही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के एजुकेशन को लेकर के लोग पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और ये सब कुछ बने बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वैसा कुछ अगर आप में सामर्थ्य हो तो उस ट्रैक को फॉलो करें,
बाकी अगर आपको निकलना है, क्योंकि देखिए 5 लाख स्टूडेंट्स अगर ऑन एन एवरेज निकलते हो देश से, कोई मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा कि पूरी दुनिया में जो भारत के स्टूडेंट्स जाते हैं, तो 5 लाख करोड़ रुपया देश का जो है तो बाहर जाता है। अब आप मेरे ऊपर, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप मुझसे भी कह सकते हैं, तो भाई हम स्टूडेंट नहीं आए थे, तो हमको ये कोई फीस वीस नहीं भरनी पड़ी थी, हम आए थे 2-4 महीने का हमने संघर्ष किया, यहीं पे जिंदगी शुरू की और हम आज दिन तक अपने देश पैसा भेजते हैं, हर साल भेजते हैं, हमने वहां पर सब कुछ किया है, अब वो सब बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है मैं अपने जीवन पर्यंत अपने देश से और अपने घर परिवार से सबसे उसी तरह से जुड़ा रहूंगा, लेकिन कम लोगों को ही मैं पाता हूं जो लोग अपने घर परिवार या अपने देश से ज्यादा दिनों तक जुड़े रह पाते हैं। मैंने देखा है यहां पर आते हैं शुरू में सब ठीक ठाक रहता है, 8-10 साल के बाद में वहां जो भी प्रॉपर्टी सपर्टी है सब बेच भाज करके लोग यहीं पर सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है, करेंगे भी क्या भाई, सब लोग ठीक भी है उनका वो जो डिसीजन है। ये मत समझिएगा कि आपने पिक्चर में और वीडियोस में देखा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, सब कुछ है भी, लेकिन आप कहां उसमें सेट होंगे वो आप अपना स्थान देखिए, अपनी परिस्थितियां देखिए, दूसरों को देख करके डिसाइड मत करिए, आप खुद थोड़ा सा और अध्ययन कीजिए कि कौन सी कंट्री अच्छी है। और अगर आप देखिए कंट्री साइड जाते हैं, रूरल एरिया में भी जाते हैं, तो इसको आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि यहां का छोटा सा गांव भी हर सुविधाओं से लैस होता है, वहां पर मतलब हर सुविधा होगी, बस ये कि फिर आप बड़े लोनली से फील करने लगते हैं छोटी सी जगह में। देखिए मैं एडिलेड में रहा हूं, एडिलेड तो काफी बड़ा शहर है, ठीक ठाक सा है, लगभग मेरे टाइम पे 12.5 लाख की आबादी थी, मुझे लगता है आप कहो वहां पे 15 लाख की आबादी हो गई हो, लेकिन फिर भी हम चूंकि मुंबई से आए थे तो हमें लगता था यार हम गांव में आ गए गांव में, हालांकि अब हम मिस करते हैं क्योंकि बड़ी खूबसूरत बड़ी शांत सी जगह है। तो ऐसी किसी जगह में जाकर के फिर वो जो एक होमसिकनेस होती है वो भी फील, तो मतलब संघर्ष भी, जेब का पैसा भी गया, प्लस आपको होमसिकनेस भी फील हो रही है, आपको अपने कल्चरल प्रोग्राम से याद आते हैं, अपना फूड याद आता है, अपने पेरेंट्स याद आते हैं, रिलेटिव फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप ही को झेलनी पड़ती हैं। तो भैया डिसीजन लेने से पहले आप निर्णय कर लीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। अगर आज आप स्टूडेंट वीजा में नहीं आ पाते हैं, जिंदगी क्रिकेट के गेम की तरह है कि अगर आपने पहली बॉल में सिक्सर नहीं लगाया तो डोंट वरी, दूसरी बॉल आएगी, तीसरी आएगी, जब तक आप आउट नहीं हो जाते हैं, ये जीवन है, इसमें एक एक करके अवसर बार बार आते रहेंगे, बस आप तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें कि किसी भी अवसर में आप कोशिश हर बार पूरी करें, कहीं ना कहीं सिक्सर लगेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवन का अच्छा आयाम शुरू होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, मेरी ढेरों शुभकामनाएं है। और कृपया इस वीडियो को नकारात्मक दृष्टि से मत लीजिएगा, मुझे लगा कि यहां का जो एक सही पिक्चर है वो मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैं आसपास इस देश में देखता रहा हूं इतने वर्षों से। मैं नहीं चाहता कि हमेशा सिर्फ मीठी मीठी बातें करके और सिर्फ अच्छाइयां, ऑफकोर्स ये कंट्री बहुत अच्छी है, डेवलप्ड है, यहां वो सारी चीजें हैं जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जब आप यहां करके एडजस्ट होते हैं, मर्ज होते हैं इस कंट्री के साथ में, तो उसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसकी अपनी कुछ कठिनाइयां भी हैं, तो उनको भी दिमाग में रखिए और उसके बाद कोई निर्णय लेकर के यहां पर आइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो बेल घंटी है ना जो, उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। So we got 1 kg आइसक्रीम on half price. That is $5. We took 2. One is, and this is for $4. It was $8, but now it's half price. So it's $4. ये भी half price में था? अच्छा, तीनों half price में मिले? Yes. ये अंशिका के फेवरेट हैं। तो देखिए भाई, अभी सिडनी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अचानक ही हो गई है, ये है देखिए, अच्छा लग रहा है, मौसम है गर्मी का। ये देखिए भैया, फ्रंट यार्ड हमारा हो गया आगे के झाड़ वगैरह का, तो ये बैक यार्ड में हमने कहा यहाँ पे भी करते हैं। गणेश चतुर्थी की तैयारियां हो गई हैं, हो रही हैं बेसिकली, और ये मैंने यहाँ पे कुछ तोरण लगाए हैं और सजाया है। अंशिका यहाँ पे, अंशिका डू यू वांट टू से एनीथिंग? यस, गणपति बप्पा। सो टुडे माय मम प्रिपेयर्ड दिस फॉर गणेश चतुर्थी। और यहाँ पे मैंने लगाए हैं, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, गणपति बप्पा मोरिया। देखिए भाई, कल है तीज, मतलब गणेश चतुर्थी से पहले, तो इसमें किया जाता है निर्जला व्रत, पत्नियां करती हैं भाई। तो पांडे जी ने जो अभी रात में खा लिया है, बस वही है इनका, खा पी लिया।
और आज की अब पूरी रात, कल का पूरा दिन और कल की पूरी रात ये कुछ खाएंगी भी नहीं और पानी भी नहीं पिएंगी, तो ये निर्जला व्रत होता है। तो हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि देखिए, ये जब तीज के व्रत के शुरू होने से पहले शाम को सिवाई खाई जाती हैं, तो पांडे जी ने सिवाई बनाई हैं। कटोरी देखिए, बिग बाउल, और पांडे जी लगा रही हैं मेहंदी, और अंशिका भी मेहंदी लगवा रही हैं। ये देखिए भैया, हमारे आ गए गणपति जी। आज तो अंशिका गई हैं स्कूल, तो हम दोनों लोग मिलकर के ही लेके आए हैं। पांडे जी को मैं अभी सीट बेल्ट से मुक्त करूँगा और इसके बाद में लेकर के चलते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। Just got Ganesh Murti at our home, and as you can see, we have done few decoration. Tomorrow Panditji is going to come and we are going to do the puja. So please watch this video till the end and take blessings from our Ganpati Bappa. और भगवान श्री गणेश जी का लीजिएगा आशीर्वाद। मैं बैठा, संकल्प वगैरह करा भी, भाई मुझे थोड़ा सा खाना वाना बनाना है, तो पांडे जी और अंश का पूजा कर रही हैं पंडित जी के साथ में, और मैं अब थोड़ा सा किचन में लगूंगा। ये देखिए, यहाँ पर चल रही है पूजा, और ये यहाँ पर हमारे विराजे हैं गणेश भगवान जी, और ये देखिए प्रसाद के डब्बे रखे हुए हैं। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और ये देखिए, कल पांडे जी का था तीज का व्रत, तो सुबह प्रसाद वगैरह उन्होंने बनाया था भगवान को नैवेद्य लगाने के लिए, सूखी सब्जी और यही। और अब मैं पहले बनाने जा रहा हूँ आलू टमाटर की बिल्कुल शुद्ध देशी सब्जी। जय गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति के धारण भगवान की। हमारे मित्रगण आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए पुष्पा जी, वैसे तो वो इंग्लिश लेडी हैं, सनातन धर्म को ही फॉलो करती हैं। ये लास्ट टाइम भी आई थी पूजा में, तो एक प्लांट लेके आई थी और आज भी लेकर के आई हैं, और आज बहुत श्रद्धालु हैं, योग वगैरह करती हैं। इनके गुरुजी राजस्थान में रहते हैं पुष्पा जी के, और ये हैं फर्स्ट लेडी ऑफ हाउस। तो अब ये प्रिपरेशन पाड़ी जरा जल्दी करो। हाँ, तो ये है देखिए भोजन प्रसाद, ये है पनीर की सब्जी, ये आलू टमाटर की सब्जी, और वो है दाल मखनी, रसमलाई, रायता, चावल, और इसमें है पूरी। थैंक यू। संकोच नहीं करना, खाना बहुत बना है। हाँ बिल्कुल, हाँ फिर नहीं हो पाता। शी इज फ्रॉम माल्टा, संडे। ये है देखिए रजनीश जी, एंड ये है पुष्पा जी। हाउ आर यू पुष्पा जी? पुष्पा इज वेरी शाय। मेरे फ्रेंड्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे। गणेश देव युवा लोगों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, नहीं तो रहेगा कि हम आए थे नहीं आए थे। हाँ वो तो 55 साल का युवा है भाई। तो ये देखिए आज हमारे गणपति भगवान की हो गई पूजा, हमारी विसर्जन की जो है तो आरती वगैरह सब हो चुकी है, और यहाँ पर हमने करना है विसर्जन। और विसर्जन के लिए हमारे साथ पिछले साल भी आई थी ये रितिका जी, और इस बार देखिए उनके माता पिता भी आए हुए हैं। तो हम लोग अपने बैकयार्ड में ही इस प्रकार से यहाँ पर
कर लेते हैं। गणेश जी का आज हमने विसर्जन कर दिया है, डेढ़ दिन की गणपति थी और हमारे गणेश जी की मूर्ति जो थी वो है डिकम्पोजेबल, सो 2 से 3 दिन में गणेश जी हमारे डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये देखिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया से मैं आपका मित्र शक्ति पांडे और ये हैं सलोनी मैडम, ये हमारे मित्र हैं विनेश देसाई जी, इनकी सुपुत्री हैं और ये उनके साथ में खड़ी उनकी धर्मपत्नी और बाकी इनके रिलेटिव्स और मित्रगण हैं। और हम भी यहाँ पर आए हैं चूंकि इनका आमंत्रण था, तो कल तो हम आ नहीं पाए क्योंकि एज यूजुअल यू नो हमारे घर में भी गणपति जी आए हुए थे। शट अप। तो ये देखिए बहुत प्यारे सुंदर से गणपति जी हैं। तो हमारे यहाँ डेढ़ दिन के आए थे पर इन्होंने जो है तो 3 दिन के लिए भगवान का आगमन करवाया अपने यहाँ पर, और ईश्वर करें इनके यहाँ पर भी खूब सारी इच्छा इनकी पूरी करें और धन समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। बड़े भक्त हैं हमारे मित्र और मुंबई के ही हैं हमारे सबसे पुराने मित्रों में से। मंगल मूर्ति। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।